वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो मैंने आप लोगों को गाड़ी का जो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन ओनरशिप रिव्यू जो है ग्रैंड विटारा का दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे बोलते हैं ना कि भाई दिल में एक चाह होती है कि भैया हम भी जो है ग्रैंड विटारा को चला के देखें। तो जो गाड़ी मैं आज आप लोगों को चला के दिखाने वाला हूँ ये है 1.5 लीटर बेस मॉडल गाड़ी, यानी कि पेट्रोल वेरियंट आप लोगों की गाड़ी है। तो मेरे भाई जो कैमरे से भी शूट कर रहे हैं उनके लिए मैंने दरवाजा ओपन कर दिया, वो जा रहे हैं अंदर और मैं भी इस गाड़ी के अंदर आ रहा हूँ। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज, इस गाड़ी में इन एंड आउट बहुत इजी है, कोई भी आप लोगों को कहते हैं ना फुट स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मेजर चीज मेरी हाइट जो है वो 5 होगी, आई गेस 5'10 होगी। अमेजिंग हेडरूम, ये अभी अप भी हुई हुई है सीट, ये अप हो रखी है क्योंकि मेरे को अप करके जो है मजा आता है गाड़ी चलाने में। ठीक है, ये है हम लोगों की गाड़ी की। ठीक है, आप लोगों को कीलेस एंट्री का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। मैं गाड़ी को जो है ऑन कर रहा हूँ और ठीक है, जैसे ऐसी चीजें होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये गाड़ी है मेरे निपुण भाई की, जिनकी आप लोगों ने ओनरशिप रिव्यू की वीडियो जो है देखी थी। और अब ये गाड़ी मैनुअल है तो थोड़ा मेरे लिए ये टेंशन की बात है, भाई का बंद कर देते हैं, देखो कहाँ है इसका दिखाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड क्योंकि भाई ने मेरे लगाया हुआ है। ये डुपाय वाला है ये? नहीं 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 नहीं, ये हीरो का आया अभी। अच्छा, वो लगा हुआ है। हाँ ठीक है, अभी गाड़ी ऑन हो गई नहीं हुई? ऑन है, स्टार्ट है, रियलाइज नहीं होती भाई। मैं तुम्हें बिल्कुल शांति कर रहा हूँ, साइलेंट इंजन ब्रो, अभी नया है तो क्या पता तब। हाँ। तो मैं सबसे पहले बैक कैमरा आपको चेक कराता हूँ। ये बैक कैमरा भाई ने लगा रखा है, ये आप लोगों का ग्रिड लाइन के साथ? नहीं, गाइडलाइंस के साथ वैसे नहीं है। मतलब टर्न करो तो वो होती है, कैमरा मूविंग होगा, वो हाइपरसोनिक टाइप ही है जो इधर राइट लेफ्ट होती है वो मुड़ती है। ये देखो भाई, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, व्हाट अ फीचर मैन। पता नहीं कितने लोगों को फर्क पड़ता है, मेरे को बड़ा फर्क, मेरे को बड़ा फर्क पड़ता है। मैं स्टीयरिंग थोड़ा नीचे रख के चलाना पसंद करता हूँ, मैनुअल गाड़ी का मेरा इतना कोई अच्छा जो है वो नहीं है क्योंकि मैं काफी टाइम से मैंने मैनुअल गाड़ी नहीं चलाई। लेकिन भाई एक्सपीरियंस वाइज जो है आप लोगों के साथ मैं सब कुछ जो है शेयर करूंगा, भैया गाड़ी की क्या फील है, कैसी ब्रेकिंग है, गाड़ी चलाने में कैसी आती है। भाई सही से हो रहा है शूट? हाँ एकदम सही, बढ़िया हो रहा है ना? Exactly. इस गाड़ी में ऑलरेडी आप लोगों को रियर सेंसर्स ही अवेलेबल होते हैं एंड वी आर गोइंग आउट फॉर अ रोल। ग्रैंड विटारा को मैं जिंदगी में पहली बार जो हूँ ड्राइव कर रहा हूँ और इट्स बीइंग अ वेरी लॉन्ग टाइम जब से हमने आप लोगों को ऐसे कुछ टेस्ट ड्राइव वाली वीडियोस नहीं दिखाई है। लेकिन कोई बात नहीं, अब से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को यही चीजों के बारे में जो है पूरा बताएंगे। तो अब हम लोग गाड़ी को जो है एक स्ट्रेट रोड में लेके आ चुके हैं। मैं कोई वो 0 to 100 नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को जो चीज दिखा रहा हूँ देखो भाई, 1 2 3 RPM के बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो जो मारुति की गाड़ियों के साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि इनिशियल जो आप लोगों का पिकअप होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है। क्या कहेगा निपुण इसके बारे में? हाँ, फर्स्ट गियर में मैं मान सकता हूँ। हाँ, लेकिन उसके बाद जब इसका RPM 2000 शूट कर जाता है, हाँ, फिर ये गाड़ी एक नंबर की जाती है। जान पूछ के थोड़ा सा गड्ढे के ऊपर से निकाल रहा हूँ गाड़ी, ठीक है भाई, क्योंकि मेरी ना एक्सपीरियंस जो है मारुति कार्स के साथ बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैं रिक्शे को ओवरटेक कर रहा हूँ, देखो थर्ड गियर में शिफ्ट किया है गोइंग टू फोर्थ, और जान पूछ के मैं थोड़ा लोअर RPM के मजे देख रहा हूँ कि गाड़ी कितनी कैपेबल है ब्रेकिंग के साथ में। तो थोड़े मजे यार, मतलब भाई प्रोडक्ट जो है ना, मतलब वो इतना रीजनेबल और हर किसी के लिए अफोर्डेबल निकाला है ना मारुति ने, तो भाई ये कनेक्टिंग काफी ज्यादा है। क्या कहेगा निपुण इसके? हाँ एग्जैक्टली, है ना, लोग कनेक्ट कर पाते हैं इस गाड़ी के साथ में। हाँ जी, और मैं जेन्युइनली भाई इस गाड़ी को चला के मेरे को बिल्कुल पहले गियर में लैग फील हुआ, उसके बाद तो कोई लैग फील नहीं हो रहा। और मैं वैसे ही बताना चाहूंगा, मैं केवल एक आपको लेमैन वाला आइडिया बता सकता हूं, ना तो मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं ना तो मैं गाड़ियों के नीचे रह के काम करता हूं, मैं आप लोगों को केवल एक लेमैन जो एक नॉर्मल इंसान जो गाड़ी चला के फील करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। राइट नाउ आई एम ड्राइविंग ऑन फोर्थ गियर, अगर आप देख लोगे यहां पर, ठीक है, और इट्स क्रूजिंग वाला फील है मेरे को पूरा। ठीक है भाई, स्टीयरिंग छोड़ना मत, मैं वैसे एक आपको छोड़ के दिखा रहा हूँ, अलाइनमेंट ओके है भाई भाई की, ठीक है। इसमें इवन आप लोगों को गियर का जो इंडिकेटर है वो भी आप लोगों को इसमें अवेलेबल है, ठीक है, किस में आपको शिफ्ट करना है वो आप लोगों को पता चल जाता है। और ब्रेक मार दो कम्प्लीटली इस बार, ये शायद ऑफ हो जाए, नहीं अभी आ गया, जैसे इसमें एरर आ गया, आपने झटके से ब्रेक मारी, देखो तो ये ऑफ नहीं होगा। हाँ ठीक है, अगर आप आराम से एकदम बंद करोगे मतलब प्रॉपर वे में रोकोगे प्यार से तो ये बंद हो जाती है, अभी नहीं होगी। अच्छा, मेरे साथ चलने के बाद होगी। ठीक है भाई, मैंने छोड़ रखा है सब कुछ। इसमें आप लोगों को इसके MID में टेम्परेचर, टाइम, बैटरी वाला चीज, पूरा किलोमीटर कितना चला हुआ है, सब चीजों का इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलता है। अब एक चीज जो मैं मेजरली गाड़ी के अंदर चेक करना चाहता था वो मेरे को भाई मजा आ गया देख के, भाई इस गाड़ी का जो बोनट है दैट इज
एब्सोल्युटली विजिबल। और मैं पर्सनली ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आकृति के लिए भी एक गाड़ी और ढूंढ रहा था कि मुझे एक गाड़ी उसको गिफ्ट करनी है, कौन सी गाड़ी मैं उसको दिला सकता हूँ। ग्रैंड विटारा चॉइस है, लेकिन उसका अभी ना की अटकी हुई है कि वो जो नई वाली सेल्टोस आ रही है वो लेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी उन्होंने अच्छी निकाल दी। लेकिन भाई टचवुड, मैं मैनुअल गाड़ी बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ, इसका जो गियर शिफ्ट है वो इतना स्मूथ है, और स्मूथ होने के साथ में जो पोजीशनिंग है दैट इज एब्सोल्युटली मजेदार। ये आप लोगों का आर्मरेस्ट है, मैं बहुत ज्यादा आर्मरेस्ट का यूज करता हूँ, मेरा तो भाई पर्सनली ऐसा रहता है, मैं ऐसे करके ही पूरे गाड़ी का जो है मजा लेता हूँ। और अभी आप कर्व में देखोगे, देखो भाई लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ मैं, और मैं थोड़ा सा टर्न जो है ना वो अपने स्टाइल में लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ देखो, ठीक है भाई अब गाड़ी को थोड़ा सा खींच रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। देखो आरपीएम से आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। स्विचिंग टू 4000, शिफ्टिंग टू फोर्थ गियर, आप लोग देख सकते हो। और भाई मेरे को जनरली फील नहीं हो रहा मेरी गाड़ी इतनी लंबी है, आपको पहले बता रहा हूँ, मेरे को चलाने में फील पूरी की पूरी गाड़ी में आ रही है, बहुत बढ़िया। ब्रेकिंग के साथ में पूरा क्या यार, क्या गाड़ी है भाई, मजा आ गया। जनरली मैं बता रहा हूँ कि जिस प्राइस टैग में गाड़ी आती है, कितने में आती है निपुण ये गाड़ी, बेस मॉडल? ये बेस मॉडल 1250 के अराउंड आपको पड़ जाता है, 12 लाख रुपए में। तुम अगर, मैंने सेल्टोस ली थी एक टाइम पे, डीजल वाली ली थी, ठीक है, वो एवरेज वाइज बहुत जबरदस्त थी, सब कुछ था। उस गाड़ी का बैक सीट बड़ी बेकार थी, मतलब उसमें ना कमर में दर्द होता है, लेकिन भाई इसमें बिल्कुल कहते ना भाई एक बार इन्वेस्टमेंट। और ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप लोगों को मतलब ये अपना ऐसा सीन हो गया कि मारुति सुजुकी अलग हो गई, नेक्सा अलग हो गई, ऐसा ऐसा फील आती है, ये फील आती है, मतलब एक स्विफ्ट चला रहा हूँ उसकी ब्रेकिंग पुअर है, वहीं पर मैं बलिनो चला रहा हूँ उसकी जो है बंद हो गई, बंद हो गई है ये, ठीक है भाई अब देखो गाड़ी ऑन हो गई, वाह मजेदार। एसी वेसी चल रहा होता तो फील नहीं होता। हाँ देख रहा हूँ, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा खींच के देखा गाड़ी को कि भाई गाड़ी ऑन भी है कि नहीं है, कि झटका ना लगे। और देखो भाई, तो भाई देखो मैंने ना अभी शीशा खोल दिया, यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने जैसे क्लच छोड़ा तो यहाँ पर गाड़ी जो है वो हट गई। आओ थोड़ा पास से दिखाओ, ये अभी बंद है, ये देखो जैसे मैं नीचे दिखाओ पैर मेरा, क्लच है, क्लच को दबाया और यहाँ पर आपकी पावर वापसी आ चुकी, ठीक है। अब लॉन्डे वाली फील के बारे में बता दूं, तो मैं लॉन्डे वाली फील क्या होती है, कई सारे लोग इस चीज को समझते नहीं है। लॉन्डे वाली फील ही होती है, ऐसे एक हाथ रखा, एक स्टेयरिंग में ये रखा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बेल्ट जरूर पहनो, लेकिन लॉन्डे वाली फील ऐसे भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों का भाई कहते हैं ना पावर है, यहाँ पर आपका आर्मरेस्ट है, और आप जहाँ मर्जी हो वहाँ निकल चलो। और जनरली बता रहा हूँ इस गाड़ी को मैं पहली बार चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मौका नहीं मिला ग्रैंड विटारा चलाने का, लेकिन देखो अंकल को हरा दूंगा मैं, देखो अभी हमारे साइड से अंकल जा रहे हैं और पूरी पिकअप चेकआउट कर, वेरी नाइस, ऑल्दो ऑल्टो थी लेकिन स्टिल भाई फील वाइज अच्छा है, ठीक है। कई सारे लोग मेरे को अभी बोलते हैं भैया 0 to 100 करो, 0 to 100 का क्या रिपोर्ट है इसकी? यार अच्छी है, सही है रिपोर्ट, सही है, मतलब पेट्रोल कार से आप जितना ले सकते हो उसमें है ये चीज। यार मेरे को ना पता, मतलब मैं, मतलब कम नहीं है ना कुछ ज्यादा है, बट पहले लोग कह रहे थे कि अंडर पावर है, अंडर पावर है, आपको अंडर पावर फील हो ही है गाड़ी? नहीं भाई, भाई मेरे को तो स्टीयरिंग इतना स्मूथ लग रहा है, मजेदार यार, मतलब एक नंबर का। आप देखो ये देखो, आई एम स्विचिंग टू थर्ड गियर, और आप देख सकते हो मैं, क्योंकि गाड़ी जो ना बड़ी संभल के चलाता हूँ अपने उससे, देखो फोर्थ गियर, एंड आई एम क्रूजिंग अराउंड 70-80 क्रूज करता हूँ मैं गाड़ी, ज्यादा उससे तेजी चलाता। और लुक एट दी ब्रेकिंग, छोड़ा हुआ है स्टीयरिंग, छोड़ना मत, मैं वैसे कभी रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको वैसे एक अपने आइडिया वाइज दिखा रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया है भाई। अपने आप ही ये ऑटो वाला ऑन एंड ऑफ कर सकते हो आप लोग, ये ऑन हो गई गाड़ी अभी। तो भाई अपनी रिपोर्ट के हिसाब से जितना एक नॉर्मल इंसान आपको समझा सकता है, आँख बंद करके गाड़ी ले लो, चलाओ मैनुअल गाड़ी, ऑटो इसकी अच्छी है, इसमें आप लोगों का जो ऑटो है उसमें AMT मिलता है आप लोगों को, AGS थोड़ी सी बेकार टेक्नोलॉजी, AMT फिर भी ठीक है, ले सकते हो ऑटोमेटिक। मैनुअल भी भाई मेरे को पर्सनली अभी तक नहीं फील हुआ कि मैं मैनुअल गाड़ी चला रहा था, मतलब इतना मजा आ रहा था मेरे को, स्मूथ है, मतलब क्लच भी बहुत लाइट है, लाइट है, देखो भाई अगर आप देखोगे नीचे, देखो मजेदार यार। अब देखो अभी हम लोग, मतलब विजन के बारे में आप बात करोगे, आपके ए पिलर्स अगर आप लोग बोलते हो कि भाई कटिंग करते वक्त कुछ छुप तो नहीं रहा है, कुछ नहीं छुप रहा भाई, सब कुछ निकल रहा है, साइड मिरर्स भी बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है, जहां जहां पर आप लोग बोल सकते हो कि हाँ भैया ऐसा होना चाहिए वैसा ही इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और भाई मैं जो रियली शॉक्ड हुआ हूँ वो इस चीज से शॉक्ड हुआ हूँ कि गाड़ी की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब मुझे पता है आने वाले वक्त में ना इसमें भी थोड़े थोड़े मॉड जो है लोग कराते रहेंगे, इसका भी इंजन रीमैप कराने लग अभी जाएंगे। अभी होना है, कराएगा? हाँ हाँ होएगा, अभी एयर फिल्टर वो सब जाए, बट नेचुरली एस्पिरेटेड है, कुछ फर्क ज्यादा पता भी नहीं चलता। एयर फिल्टर और वो सब मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी रीमैप शायद ना करवाऊं, क्योंकि कोई फर्क वो फील ही नहीं होता नहीं उसमें, स्टेज 1-2 नहीं होगा, नहीं होगा, वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, वो फील नहीं होगा। हाँ। उसके साथ करा के देखा था 820 के साथ, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, हल्का सा ही, बहुत माइनर सा होता है, 20 का फर्क आएगा, एंड यू आर स्पेंडिंग अ लॉट।
हाँ, टर्बो हो तो फिर मैं कराऊंगा, टर्बो होता तो मैं करवाता। हॉर्न भी भाई ने बहुत ओके रिपोर्ट लगा रखा, अभी आगे खराब पैच आ रहा है तो तुम्हें थोड़ी सी ऑफ रोडिंग तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ खराब रोड का थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा। देखो भाई ये है खराब रोड और मैं बिल्कुल एक्सट्रीम इधर से डाल के बचा के ले जा रहा हूँ गाड़ी को। देखो भाई गिरानी नहीं है ना हमने, देखो जैसे दिखाती नहीं टेस्ट राइड में गाड़ी ऐसे ले जाते हैं, वैसे मैं देखो उनकी गाड़ी बंद हो गई है और हमारी गाड़ी जो है आप देख सकते हो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। बढ़िया है भाई, स्लश व्लश से निकालियो, मजा आ जाएगा, देखो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है ना। ठीक है तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताना आप लोगों को। ग्रैंड विटारा चला लिया आपके भाई ने, एक रिपोर्ट की गाड़ी है, गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो खरीद लो, वेटिंग का आजकल नया जमाना तैयार हो गया। Exactly. पैसा बनाने का तरीका है, क्या तरीका है, लेकिन भाई ये वेटिंग वाली बड़ी बेकार चीज है, लेकिन गाड़ी भाई जेन्युइनली बहुत अच्छी है। आप पे से कोई भी सोच रहा है आज ही आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, और मैं इसके बाद थोड़ा सा अब मेरा भी थोड़ा माइंड मेकअप करूंगा मैं कि कौन सी गाड़ी ले सकते हैं भाई। ठीक है और आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट, निपुन को सुपर थैंक्स फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं आप लोग से एक नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।